Hello everyone. Myself Charadmita as an athletic coach. Kari Nagar is PJ Vakhara School Color in the sports SHK. The topic is long jump places. तो सबसे पहले अभी हम आपको बताने वाले हैं कि लॉन्ग जंप की टेक्निक जो होती है स्टाइल बोलते हैं वो तीन प्रकार की है, ठीक है, पिच की टेक्निक, शॉट टेक्निक एंड हैंड टेक्निक, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे फेसेस कैसे होते हैं। तो जो रनवे होते हैं उसको ही हम अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। तो वो भी हमें हमारा जो स्ट्रॉन्ग लेग होता है, ठीक है, हमें टेकअप लेना होता है, ठीक है। तो जैसे हम स्टार्ट किया और फिर टेकअप पे आया तो हमारा जो दो लेग से कोई एक लेग स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग लेग? तो हमें ऐसे खड़े हैं सिंपल पोजीशन में और पीछे से हम कोई अचानक से धक्का देता है, ठीक है, और उसमें जो हमारा पहले पैर आगे आता है, ठीक है, वही हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। फिर दूसरे तरीके से ऐसे होते हैं कि हमें लंगड़ी लेना होता है, उसे होप करते हैं। तो एक लेग से, जैसे कि राइट लेग से हमें लंगड़ी लेनी रहती है, एक दो तीन ऐसे, लेकिन वो फुल फोर्स के साथ लेना होता है, फुल फोर्स के साथ कि कितना हम मैक्सिमम कितना कवर कर सकते हैं लंगड़ी में, ठीक है, वो राइट लेग से, और उधर मार्क करना रहता है। फिर सेम चीज़ हमें लेफ्ट लेग से करनी होती है और वैसे ही वहाँ पर मार्क करना रहता है। फिर दोनों लेग में से कौन सा ज़्यादा है, ठीक है, वो हमारा जो डिस्टेंस ज़्यादा होगा जिस लेग का वो हमारा स्ट्रॉन्ग लेग है, ठीक है। तो वो पता चल गया कि हमें टेकअप लेना है, हमारे जो स्ट्रॉन्ग फुट है उस पर हमें टेकअप लेना है, ओके। और टेकअप पे हमारा कोई फाउल ना हो इसीलिए हमें एक अच्छे से रनवे भी हमें सेट करना रहता है कि हमारा फाउल ना हो। जो फाउल होता है तो रनवे से थोड़ा हमें पीछे से स्टार्ट करना, वो हमारा एक वो भी एक मार्क करना रहता है और वो भी हमें अच्छे से मेजर करना रहता है, क्योंकि हम अच्छे से अपनी मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ और अच्छे से अपने फिजिकल लेवल को अकॉर्डिंग रख के हमें टेकअप लेना रहता है, ठीक है। तो हम अभी आपको बता रहे हैं अप्रोच रन और टेकअप के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अप्रोच रन में सबसे ज़्यादा कि उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है तो वो भी इतनी स्पीड रखनी चाहिए और अच्छे से हमें एक कंट्रोल वाली स्पीड रखनी चाहिए कि हम रन करके तो आ रहे हैं लेकिन उस टाइम इधर आने के बाद हम टेकअप करने के बाद तो टेकअप जैसे कर रहे हैं तो वो हमें एक स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते और अच्छे से हम टेकअप कर सकें, क्योंकि एक टेकअप जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जितना अच्छा टेकअप रहेगा हमारा, जितना भी अच्छा टेकअप रहेगा उतनी अच्छी हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा सा एयरवे जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी अच्छे से एक टेक्निक कर सकते हैं और उसके बाद जो स्टाइल होती है हिचकिक है या सेल है या हैंग है, ठीक है, तो वो हम अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से हम लैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा जैसे अप्रोच रन है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतनी हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और अच्छे से हमें वो जो हमारा अप्रोच रन है और टेकअप है वो हमें सेट करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि टेकअप है तो सबसे बिगनर प्लेयर को हम पहले 3-2 स्टेप में हम उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले अभी हम आपको वॉक करके दिखाएंगे कि टेकअप कैसे करना रहता है, ठीक है। तो अभी हम ऐसे वॉक करके आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, और हमारा राइट लेग है, ये हमारा राइट लेग आया, ठीक है, और टेकअप बॉल पर जैसे भी हम टेकअप कर रहे हैं बॉल ऑफ द फुट हमारा सीधी लेवल की एकदम से होना चाहिए और हमारी जो बॉडी है सब नियम एंड आई फोकस एकदम पूरा फॉरवर्ड साइड रहेगा और ये हमारी पोजिशन रहेगी ऐसे परफेक्ट वाला होना चाहिए, जिससे हम आपको बताएंगे टेकअप भी 1-2-3-4-5 टेकअप, ठीक है। तो ये जैसे चीज जो है तो सिंपल हमें पहले वॉकिंग पे सेट करना रहता है टेकअप पर, फिर हमें हाइट थोड़ा सा लेके हमें डाउन करना रहता है, जैसे
अभी हम आपको एक बार बताएंगे।